सबसे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के सामने आपके रोजगार की है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गहलोत सरकार है। गहलोत सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही। विधानसभा से हूँ जो हरियाणा बॉर्डर पे पड़ती है, प्रॉपर मतलब राजस्थान से भी नहीं, हरियाणा बॉर्डर से आई हूँ। उसके बाद भी सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी जी पे 4.5 साल भरोसा किया, वसुंधरा जी पे आपने 4.5 साल भरोसा किया, वो भरोसा उन्होंने तोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अदिति। वोट लेने के लिए हर पार्टी की पहली नजर युवाओं पर होती है। युवाओं को रिझाने के तमाम प्रयास किए जाते हैं। हर चुनावी घोषणा पत्र में नौकरी का वादा जरूर होता है, लेकिन जीतने के बाद सरकार वादा खिलाफी पर उतर जाती है। आज ये मुद्दा उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि 8 दिन से राजस्थान के युवा अनशन पर हैं, धरने पर हैं, लेकिन सरकार के पास उनकी बात सुनने तक का वक्त नहीं है। राजधानी जयपुर में 8 दिन से युवा हर जिले से मौजूद हैं और धरने और अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के पास वक्त नहीं है। देखें रिपोर्ट। सरकार पता नहीं क्यों हमारा कहना क्यों नहीं मान रही है, ना हमने लिखित वार्ता के लिए बुला रही है। आज 7 दिन हो गए हैं। मैं खाली आपको ये आह्वान करना चाहूँगा राजस्थान के युवाओं को, जो हालात बने हैं प्रदेश के अंदर देश के अंदर, उसको लेके आपको हम सबको चिंतित रहना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार बेरोजगारों को तोहफा देने का ऐलान किया है। बेरोजगारी भत्ते पर भी हर बार इतना जोर दिया, लेकिन नई नई घोषणाओं कर गहलोत अपना काम पूरा समझ लेते हैं। अब हमने मैनिफेस्टो में कहा है 600 के बजाय 3500 में देंगे, जिसके बाद ये घोषणाएं युवाओं तक पहुंच रही है या नहीं, इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। तो जरा सुनिए गहलोत का ये भाषण, जिसमें बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुख्यमंत्री के इसी राज्य में आज बेरोजगार रोटी को मोहताज है। 1 मार्च से सबको मिलेगा 3500 रुपए भत्ता मिलेगा, लड़कों को मिलेगा 3000 और लड़कियों को मिलेगा 3500 रुपए। हर मुद्दे पर केंद्र को घेरने वाले जादूगर के जादू से उनके खुद के राज्य के युवा वंचित रह गए हैं। हम आपको सुनाते हैं आंदोलन कर रहे युवाओं का दर। सरकार को सुनना होगा। हम लोग यहाँ 7 दिन से बैठे हैं, यहाँ पर आधी से ज्यादा लड़कियों की तबीयत खराब है। सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे रात में परेशान होते हैं, दिन में भी परेशान होते हैं। अगर हमारी जगह गहलोत की बेटी होती तो क्या सड़क पर रहती, क्या उनको दिखाई नहीं देता भाई ये भी तो आपकी बेटी है। तो सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। हम ANM GNM 2013 से हैं, कम से कम लड़कियों की तो सुननी चाहिए ना। बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सड़क पर बैठी है तो कौन सा नारा हुआ। अब हमारे बच्चे शादीशुदा होने वाले, हमारी स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, हम क्या करें, दर्द की ठोकर खा रहे हैं। हमारे भर्ते निकाल देती है और वो कोर्ट में चले रुक जाती है, हम बहुत परेशान हैं। और आज तक कोई गवर्नमेंट ने हमें सुध नहीं दी, हम हमेशा के लिए हम बहुत बेरोजगार हैं। 2013 के कार्यकाल के बाद अब 2018 के कार्यकाल में गहलोत फिर आए, लेकिन जब पुराने वादे ही अधूरे पड़ जाए तो नए वादों के भरोसे युवा कैसे जीवन बिताएंगे। और पार्टी के आलाकमान को खुश करने की बजाय गहलोत अपनी जनता को देखे तो शायद युवाओं को अनशन पर बैठने की जरूरत न पड़ती। अनशन पर बैठी इन महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ी, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक ना रहेंगी, ना ही सरकार का कोई आला अधिकारी इनसे मिलने पहुंचा। युवा अब इस आंदोलन में जीने मरने तक की बात करने लगे हैं। अब मैं इतना परेशान हूं, घर में पिताजी का साया नहीं है और कमाऊं तो कैसे कमाऊं और खर्चा चलाऊं तो कैसे चलाऊं। तो मैंने इतना अवसाद में आ गया था कि मैंने आत्महत्या की कोशिश भी सोच ली थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कुछ किया जाए, तो मैंने कहीं से 1 लाख रुपये का एडजस्ट करके अपने जो उपेन भाई साहब हैं बेरोजगार संघ के महाध्यक्ष, उनको देने का निश्चय किया। मैं इनके ऑफिस में चला गया 1 लाख रुपए लेके, रिश्तेदारों से इकट्ठे करके मैंने इनके टेबल पे रख दिया और मैंने अपना पूरा दुख दर्द बताया कि मैंने कि भाई साहब या तो मेरे को जीवन लीला समाप्त करने की आदेश दे दो या मेरी भर्ती करवा दो। लेकिन अब बेरोजगारों ने पीछे हटने से मना कर दिया। सरकार को चेतावनी दे दी है कि आने वाले उपचुनाव में
कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे और आंदोलन के ये तंबू तब तक रहेंगे जब तक सरकार लिखित में ना दे दे। बोला स्पष्ट है हमें राजनीति नहीं करना। हमने कहा है कि हमारी मांगे मान दोगे तो हमें राजनीति नहीं करनी, हमें उम्मीदवार वापस ले लेंगे। मांगे नहीं माने तो चारों जगह जीतने नहीं देंगे। क्यों नहीं जीतने देंगे वो परिणाम सामने आ जाएगा, क्योंकि हम सीट का एहसास करवा रहे। आज एक एक बेरोजगार एक सीट के लिए तरस रहा है कि उसको वो नौकरी मिले, एक सीट पे मिले। इन युवाओं की बात से अब ये साफ हो गया कि इस बार आंदोलन कर रहे युवा मजबूर होकर सड़कों पर उतरे हैं। इन आंदोलनकर्ताओं का ये जोश अब सरकार को कितना और कब तक मजबूर करता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़, जयपुर।